जय हिंद, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। अभी हम साइबर लाइब्रेरी और सेंट्रल लाइब्रेरी के पास खड़े हैं, क्योंकि हमसे बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया एक साइबर लाइब्रेरी और सेंट्रल लाइब्रेरी को भी दिखा दिया जाए। तो सोच रहा हूँ आज उसको भी मैं दिखा दूँ। तो देखिए, हमारे सामने जो अभी पीछे बोर्ड लगा है वो लाइब्रेरी का नाम है सयाजी राव गायकवाड़ लाइब्रेरी सेंट्रल लाइब्रेरी है। तो अभी हम पहले आपको सेंट्रल लाइब्रेरी दिखाते हैं, उसके बाद साइबर लाइब्रेरी भी पूरी तरह से दिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है साइकिल पार्किंग एरिया, जहाँ पे साइकिल वगैरह पार्क कर सकते हैं, गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। ये चाचा जी हैं हमारे, सुरक्षा में देखिए आप लोग के तैनात रहते हैं। ठीक है, यहाँ पार्किंग करेंगे तो आप लोग का 2 रुपया चार्ज लगेगा, तो फ्री पार्किंग करिएगा। उधर इधर पार्किंग वार्किंग मत करिएगा, झूठ मूठ का पैसा लगेगा, क्या मतलब है। अब देखिए लाइब्रेरी में हम लोग एंटर कर गए हैं, ये अंदर हैं। अभी ये लॉन है, देखिए यहाँ पर भी आप पढ़ाई वढ़ाई कर सकते हैं। गर्लफ्रेंड के साथ आइए, बॉयफ्रेंड के साथ आइए, आराम से बैठिए पढ़िए, कोई बोलने वाला नहीं है। हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूमना होगा तो रात के 6 बजे तक ही घूमिएगा, काहे कि बाद प्रॉक्टर ऑफिस एक्टिव हो जाती है। बिल्कुल, तो यहाँ जितना दिखेंगे सब अपनी महिला मित्र के साथ कुल पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं। देखिए ये सब पढ़ाई लिखाई हो रहा है ना। तो यही होता है, बाकी हम लोग का क्या ही बताएं। अब आपको अंदर का व्यू वगैरह दिखा देते हैं, है ना। ये देखिए हमारे परिचय के लोग मिल गए, तो मिल के आते हैं। देखिए अभी हम लाइब्रेरी के प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं और हमें हमारे यहाँ कई सारे मित्र बैठे हुए हैं जो गप्पेबाजी कर रहे हैं। हालांकि आते तो पढ़ने के लिए हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं करते हैं, तो इनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। ठीक है, लाइब्रेरी के बारे में ये लोग बताएंगे। बैठिए सर, बैठिए, आप लोग बैठिए, बैठिए, बैठिए। देखिए हमारे सामने ये लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी के बाहर ये बहुत सारे छात्र बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो आइए हम कुछ छात्रों से बात करते हैं। ये देखिए बहुत ही गंभीर विषय पर पूरा डिस्कशन चल रहा है। सर आपका 2 मिनट ले सकते हैं क्या? सर आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम उपनंद यादव है। उपनंद यादव सर, आप हाँ? यही के छात्र हैं? हाँ, यही के छात्र हैं। तो सर जैसा कि हमें आपको पता होगा, मैं एक ब्लॉग बनाता हूँ बीएचयू के लिए। अच्छा, तो आने वाले छात्र जो हैं बीएचयू में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या आप शुभकामनाएं देना चाहते हैं, क्या जानकारियाँ देना चाहते हैं आप? जो छात्र यहाँ आना चाहते हैं उनको अग्रिम बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। और यह एक बहुत अच्छा ही प्लेटफॉर्म है छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए, और भविष्य में वो कुछ कर सकें उसके लिए भी बस उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। लाइब्रेरी के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे सर? लाइब्रेरी यहाँ की बहुत लाइब्रेरी अकेले आना चाहिए कि गर्लफ्रेंड के साथ आना चाहिए? लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, पढ़ाई का भी माहौल रहता है और मज़ा का भी माहौल रहता है। अकेले भी आ सकते हैं और ले के भी आ सकते हैं, चाहे जैसे मन करे वैसे आ सकते हैं। क्योंकि हम लोग सिंगल वाले हैं तो हम लोग अनियमित समय से आते जाते रहते हैं लाइब्रेरी में, तो चूँकि सभी मित्र एक जगह नहीं बैठ पाते हैं तो कभी जब ग्रुप डिस्कशन करना होता है तो हम लोग बाहर निकल जाते हैं और किताबें खोल के अपना जो कि चर्चाएँ करते रहते हैं, यही सब है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। धन्यवाद। देखिए ये लाइब्रेरी का मेन गेट है जहाँ से आप सेंट्रल लाइब्रेरी में एंटर करते हैं। ये हमारे कुछ मित्र बैठे हुए हैं, आए कर भाई। ये एंट्री गेट है, जब आप लाइब्रेरी में प्रवेश करेंगे तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह करना पड़ता है, आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है, फिर इसके बाद आप एंट्री करते हैं। ये वॉशरूम है, इधर जेंट्स टॉयलेट है जहाँ पे आपको कभी लगी तब जा सकते हैं। ये देखिए अंदर का व्यू है, लाइब्रेरी का व्यू है, पूरी लाइब्रेरी है। ये काउंटर है जहाँ पे आप कोई भी समस्या परेशानी होती है तो आप यहाँ वो बुक इशू करा सकते हैं। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हुई तो यहाँ पर आप बात कर सकते हैं, बुक इशू वगैरह करा सकते हैं, निकाल सकते हैं। कि हम अपने मित्रों के साथ अभी लाइब्रेरी में प्रवेश कर चुके हैं। ये हमारे मित्र हैं जिनका नाम उपनंद यादव है और ये हैं अभिषेक। ठीक है, तो आपको लाइब्रेरी का व्यू दिखा देते हैं। ये देखिए लाइब्रेरी है, बहुत लोग पढ़ने आते हैं, बहुत लोग टाइम पास करने आते हैं, इसी का हवा लेने आते हैं, है ना। तो चलिए अंदर का भी आपको व्यू दिखा देते हैं। देखिए अभी हम लाइब्रेरी में प्रवेश कर चुके हैं, ये हमारे टकले मित्र हैं, देखिए बहुत ही पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। पीछे देखिए हमारे एकदम सब पढ़ने वाले विद्यार्थी देख रहे हैं, आधा तो खुद पढ़ने आता है, आधा टाइम पास करने आता है। अंदर आपको एसी वाला भी हवा दिखा देंगे, एसी कैबिन भी है। चले हो, कहाँ गए? आओ मदद दिखा देंगे अंदर को। ले ले ले, हाई करो भाई, तरह हाई कर, भोगल ढेर बार वीडियो हो जाई। अरे तुम भी आ जाओ भाई, देखो ये हमारे मित्र हैं, ये भी देखिए पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आओ। हैं देखिए हमारे पीछे देखिए बुक स्टॉक है जहाँ पे आपको पूरी किताबें जहाँ से इशू होती है वो सब दिखा देते हैं। यहाँ पे इतनी बड़ी लाइब्रेरी है कि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे किताबें खोजते खोजते। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, मतलब यहाँ सोचे ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी, कौन सी थी यार,
ऋतिक सुपर 30 जो थी यही शूट हुई थी यही लाइब्रेरी में। आपको लाइब्रेरी भी दिखा देते हैं, ये देखिए ये लाइब्रेरी है, आपको अंदर से भी दिखा देते हैं पूरा। देखिए लाइब्रेरी के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ पे इतनी सारी बुकें हैं कि आप पढ़ते पढ़ते अथा मतलब समुंदर आई सोचिए, हम लोग तो लोटा भर भी नहीं पढ़ पाते हैं। एक किताबों का एकदम जंजाल है, इतनी किताबें हैं, देख लीजिए अंदर से भी दिखा देते हैं आपको। देखिए देखिए हर स्टॉक में खाली किताबें किताबें किताबें, मतलब जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए एकदम पूरा जन्नत है, सोचिए स्वर्ग है स्वर्ग। अब हम लोग जैसे छात्र पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं तो उनके लिए तो ये फजीहत है, लेकिन जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए एकदम भविष्य बन सकता है। आइए BHU में एकदम स्वागत है, पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए। ये देखिए किताबों का जंजाल, यहाँ पे पुरानी किताबें आपको ज़्यादा मिलेंगी, हालांकि नई किताब पा गए तो आप राजा हैं। नई किताब जल्दी मिलती नहीं है, लेकिन पुरानी किताबें बहुत मिलेंगी आपको। हाँ यूट्यूब देखिए, हमारे मित्र हैं ये भी हमारे पेज से जुड़े हुए हैं, हाय करिए। चलिए ठीक है, पीछे का भी आपको व्यू दिखा देते हैं। हमारे पीछे देखिए किताबें किताबें हैं, सुपर 30 देखिए, सुपर 30 जहाँ पे हुई थी वहाँ हम चलते हैं, वहाँ पे दिखा देते हैं। तो जी इतनी खूब किताबों की महक इतनी खूबसूरत आती है, बाप रे बाप, मतलब यही में सूत जा मजा आ जी। देखिए देख रहे हैं आप सारा किताब, चलिए अब किताब तो दिखा दिए। एक और लाइब्रेरी है साइबर लाइब्रेरी, उसको भी दिखाना है, बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी है। मतलब ये नॉन एसी है, इसमें एसी वगैरह नहीं लगा है, देख रहे हैं किताब देख रहे हैं आप भाई, डिस्टर्ब हो जाइएगा आप किताब खोजते खोजते। हालांकि यहाँ किताबें मतलब लगी रहती हैं, अच्छे से लगी रहती हैं, पूरा नंबर वाइज लगी रहती हैं, कौन सा सेक्शन है साइंस का आर्ट्स का फिजिक्स का कॉमर्स का हर चीज़ का, मतलब अलग अलग से लगी रहती हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है ना, ये पढ़िए लिस्ट देखिए, हिंदी लिटरेचर, बंगाली लिटरेचर, पर्थी लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, चाइनीज लिटरेचर, जापानीज लिटरेचर, मतलब इन सब में से कोई भी किताब चाहिए होगा तो आप ये सेक्शन बटा हुआ है, इस सेक्शन में आप लोग आराम से खोज सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है आप चलते हैं बाहर, आपको लेके चलते हैं बाहर का व्यू दिखा देते हैं। देखिए अभी बुक स्टोर से हम लोग बाहर आ गए हैं, वही अपने मेन जो लाइब्रेरी है उसमें आ गए हैं, जहाँ पर लोग बैठ के पढ़ते लिखाई करते हैं। ये देखिए पीछे से कोई हाय कर रहा है, सब हमारे पे से जुड़े हुए लोग हैं। देखिए ये भी हमारे पे से जुड़े हुए हैं, है क्या नाम है आपका? आशुतोष भाई, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको आने के लिए। देखिए आपको हम पीछे एक एसी कैबिन भी है, जहाँ पर रिसर्च वगैरह PhD के लोग बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो वो भी दिखा देते हैं आपको, देख के एंजॉय करिए, है ना। कहाँ गया अभिषेक, कहाँ हो तुम, जो कहाँ अभी? चलिए ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आप लैपटॉप वगैरह ला के आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, आराम से बैठ के पढ़िए लिखिए। बहुत बड़ा लाइब्रेरी है वो, दिखाऊँ में थोड़ा हालत में खराब हो जाला, क्या करब। देखिए मत देखा जा बाहर ला जा जाइए, अभी अब चलते हैं आपको एसी वाला कैबिन में दिखा देते हैं। ये यहाँ पे मतलब आप जो है एसी कैबिन है, वहाँ पे एसी में बैठ के पढ़िए, एकदम मज़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। ये भी देखिए यहाँ भी आप बैठ के पढ़ सकते हैं, और ये कैसे है? ये देखिए हम, ये हमारे पेज से जुड़े हुए हैं, ये भी PhD नहीं भाई, सब निपट चुका है, नहीं पेज से जुड़े हुए, ये क्या है, चलो मिल ही गए फाइनली, धन्यवाद। और ये देखिए ये यहाँ पर रिसर्च वाले जो भी लोग होते हैं वो आए यहाँ के पढ़ाई करते हैं, यहाँ ये फुली एकदम एसी है, एसी में बैठ के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि रिसर्च वाले यहाँ BA वाले और MA वाले पूल आके बैठ के पढ़ते हैं। ये कैबिन है, यहाँ देखिए मैगजीन वगैरह रखा रहता है, कोई भी उठा के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ जाएंगे वहाँ चार लोग मिलेंगे परिचय के। देखिए अभी हम लोग लाइब्रेरी के ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से अभी आपको व्यू दिखाते हैं कि लाइब्रेरी कैसा दिखता है ऊपर से, क्योंकि अक्सर ऊपर जल्दी लोग आते नहीं हैं। अब हम लोग हालांकि मना भी है नहीं आने के लिए, लेकिन अब हम लोग थोड़ा लोफर आदमी हैं तो हम लोग के बोली चलो कि क्यों रुकता। देखिए अभी हम ऊपर आ गए, ठीक है। ये देखिए जितने भी भारत के महान विभूतियाँ थे जिन्होंने हमारे भारत देश के लिए काम किया है, उनके पूरे हर जगह आपको पोस्टर्स वगैरह लगे मिलेंगे। अरे चौड़े में आप पता नहीं, मतलब पता नहीं क्या है, दिन भर तो पैदल दौड़े थे, हैं शोध सूचना अनुभाग कहाँ पढ़ रहे, ये ना है बंद है, अभी बंद है, लेकिन पढ़ाई करते हैं इसमें, है ना। अभी
आपको ये दिखाते हैं, ये जो देखिए नीचे से आपको व्यू दिखाते हैं कैसा लगता है। ये देखिए नीचे के लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ये है लाइब्रेरी, ठीक है, मतलब बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, अकेले आके पढ़िए। बहुत सब तो आता है गर्लफ्रेंड के चक्कर में, क्योंकि लड़कियां बहुत आती हैं यहाँ पे, है ना, तो उन्हीं के चक्कर में। एक बार रुकिए, आपको पीछे से भी दिखा दें, ठीक है, रुक के। वीडियो को रोक के आप लोग पढ़ सकते हैं क्या लिखा है। ये हम तब हम लोग बाहर चलते हैं। अभी आपको हम दिखा दिए पूरा अंदर से लाइब्रेरी, घुमा दिए बाहर भी, पूरा लॉन वगैरह सब कुछ दिखा दिए। आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके हमें बताइएगा, और क्या क्या आपको देखना है ये भी हमें बताइएगा। किसी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको साइबर लाइब्रेरी भी दिखा देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। एक ही लाइब्रेरी में दिखा में देख लो कितना टाइम लग गई, तब दूसरा दिन दूसरा वीडियो में दिखा देंगे साइबर लाइब्रेरी। वो और खूबसूरत है, मार्क कंप्यूटर लगा हुआ है, एक एकदम बैठिए अपना केबिन पे, उसको भी खूबसूरती के साथ दिखा देंगे। देखिए हमारे पीछे एक वो लगा स्तंभ लगा हुआ है जो नेहरू जी के उद्धरण है, मतलब नेहरू जी ने क्या कहा था हमारे सेंट्रल लाइब्रेरी के बारे में, उसके बारे में लिखा गया है। तो इसका मैं फ़ोटो पोस्ट कर दूंगा, ब्यूटी ऑफ बनारस नाम से इंस्टाग्राम पेज है, उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। उस पर सारी जानकारियां हम BHU के डालते रहते हैं, जितनी भी जानकारियां काउंसलिंग से लेकर जो भी न्यूज़ वगैरह आता है, हर चीज़ कैसे हॉस्टल अलॉट करते हैं, सभी जानकारियां मिलती रहेंगी। इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। हमारे पीछे दो मित्र हैं, उपनंद हैं, अभिषेक, इन्होंने हमारी बहुत सहायता की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।